भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में 23 पाकिस्तानियों को बचाया। ईरानी जहाज को सोमालिया समुद्री लुटेरों से रेस्क्यू किया। 12 घंटे चला ऑपरेशन। भारतीय नौसेना ने वॉरशिप INS सुमेधा ने शुक्रवार 29 मार्च को ईरानी फिशिंग वेसल अल कंबर से 23 पाकिस्तानी नागरिकों को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से रेस्क्यू किया। नेवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि शुक्रवार शाम को उनकी टीम को हिंद महासागर में अदन की खाड़ी के पास जहाज के हाईजैक होने की सूचना मिली थी। जहाज में सोमालिया के 9 समुद्री लुटेरे सवार थे। यह जहाज यमन के सोकोट्रा द्वीप से साउथ वेस्ट में करीब 166 किलोमीटर की दूरी पर था। हाईजैक का अलर्ट मिलते ही भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS सुमेधा को पहले ईरानी जहाज को रोकने के लिए रवाना किया। नौसेना के 2 युद्धपोतों ने 12 घंटे चलाया ऑपरेशन। 9 लुटेरों ने सरेंडर किया। इसके बाद दूसरे युद्धपोत INS से त्रिशूल की मदद से नेवी के जहाज को लुटेरों ने रेस्क्यू किया। नौसेना की टीम ने 12 घंटे तक ऑपरेशन चलाकर लुटेरों को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। फिलहाल टीम जहाज की जांच कर रही है। इसके बाद इसे सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा। पिछले साल अक्टूबर में इसराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से अरब सागर में सोमालिया के लुटेरों की तरफ से जहाज को हाईजैक करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस पर काबू पाने के लिए भारतीय नौसेना ने अब अरब सागर में युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी है। भारतीय नौसेना ने 3 महीने पहले 14 दिसंबर को अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज MV रुएन को बचाने का ऑपरेशन 15 मार्च को पूरा किया। ऑपरेशन भारत के समुद्री तट से 2800 किलोमीटर दूर चलाया गया। नौसेना ने बताया कि उनकी कार्रवाई के बाद 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया और 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। जहाज का क्रू 110 से ज्यादा दिनों से लुटेरों के कब्जे में था। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 40 घंटे तक चला। इसे पूरा करने के लिए युद्धपोत INS सुभद्रा ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन P8I पेट्रोलियम एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ। अब हाईजैक हुआ जहाज MV रुएन की पूरी तरह भारतीय नौसेना के कब्जे में है। 29 जनवरी को सोमालिया के तट पर तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने एक ईरानी जहाज को समुद्री डाकुओं से बचाया है। नौसेना ने बताया कि जहाज पर सवार क्रू मेंबर सहित सभी 17 लोग सुरक्षित हैं। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा, INS सुमित्रा को अदन की खाड़ी में एक ईरानी झंडे लगे जहाज ईमान के हाईजैक होने की जानकारी मिली। जहाज पर तैनात सिक्योरिटी ने फौरन कार्रवाई करते हुए ईरानी जहाज और क्रू मेंबर्स को डाकुओं से बचाया। 4 जनवरी को अरब सागर में सोमालिया के तट के पास लाइबेरिया के फ्लैग वाले जहाज लीला नेफोर्के को 4-5 हथियारबंद समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। भारतीय नौसेना ने बताया कि जहाज ने ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेन ऑपरेशंस पोर्टल पर एक संदेश भेजा था। इसके बाद INS चेन्नई को इन्हें बचाने के लिए भेजा था। नौसेना के मार्कोस कमांडो ने हाईजैक की गई जहाज पर सवार 21 लोगों को बचाया। इसमें 15 भारतीय भी सवार थे। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक जहाज ब्राजील के पोर्टो डुएक से बहरीन के खिलाफ बिना सलमान पोर्ट जा रहा था।